नमस्कार, सभी दर्शकों को पद्मिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। यह एकादशी मलमास के महीने में आती है। यद्यपि मलमास के महीने में दो एकादशी आती हैं, जिनमें से शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम सभी पद्मिनी एकादशी कहते हैं। मलमास का महीना भगवान को सर्वाधिक प्रिय होता है, इसीलिए इस महीने को अधिक मास या पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा, जो भी प्राणी मलमास के महीने की एकादशियों का व्रत रखता है, विधि विधान से व्रत का पालन करता है, उसे भगवान विष्णु का धाम प्राप्त होता है और उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, भगवान इस एकादशी का महत्व क्या है और व्रत कथा किस प्रकार है, क्योंकि कहते हैं आप जो भी व्रत धारण करें उस व्रत के महत्व को और उसकी कथा को अवश्य सुने, क्योंकि व्रत कथा सुनने के बाद ही व्रत पूर्ण होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, प्राचीन समय में त्रेता युग में महिष्मति नाम का एक राज्य था और वहां पर उपकीर्तिवीर नाम के एक राजा राज्य करते थे। राजा की 100 रानियां थी, परंतु उनमें से कोई भी एक ऐसा पुत्र न दे सकी जिसके द्वारा भविष्य में राजा अपने राज्य का कार्यभार सौंप सके। राजा इस कारण से बहुत दुखी और चिंतित रहने लगे, अन्न जल का भी त्याग करने लगे और एक स्थान पर बैठ करके केवल पुत्र की चिंता करने लगे। राजा के दुख को देखकर राज्य के कुछ ब्राह्मणों ने कहा, महाराज आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाइए। ब्राह्मणों की इच्छा के अनुसार राजा ने अनेकों पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाए, परंतु उनके द्वारा भी राजा को कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। इस बात से दुखी होकर राजा वन की ओर प्रस्थान कर गए। राजा के साथ उनकी एक पत्नी जिसका नाम प्रमदा था, जो राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी, वह भी राजा के साथ वनगमन कर गई। राजा और रानी वन में निवास करने लगे, कंदमूल फल खा करके भगवान की तपस्या करने लगे। राजा और रानी ने एक साथ 10,000 वर्षों तक भगवान विष्णु की तपस्या की, परंतु फिर भी उससे उनका कार्य सिद्ध नहीं हुआ। अतीव तपस्या के कारण राजा के शरीर में मात्र हड्डियों का ढांचा बचा था, जिसे देख करके रानी बहुत चिंतित हुई। पति के कष्ट को दूर करने के लिए रानी प्रमदा ने माता अनुसुईया से प्रार्थना की, हे माता, मेरे पति बहुत धर्मात्मा है और हजारों वर्षों तक उन्होंने तप भी किया है, परंतु ना जाने क्यों उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही। आप कुछ ऐसा उपाय करें जिससे हमारी झोली में एक पुत्र हो जाए। माता अनुसुईया ने कहा, हे रानी प्रमदा, यदि तुम अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ करोगी तो निश्चित ही भगवान विष्णु तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करेंगे। रानी ने बड़े ही विधि विधान के साथ पति के साथ पद्मिनी एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने कहा, राजन आपने पद्मिनी एकादशी का व्रत किया है, जिस व्रत के प्रभाव से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। आपकी इच्छा क्या है, आप मुझसे मांग लीजिए। तब महाराज ने कहा, प्रभु हमारी 100 रानियां हैं, परंतु किसी के भी पुत्र नहीं है। मैं चाहता हूँ हमें एक पुत्र की प्राप्ति हो और वो पुत्र अत्यंत तेजवान होना चाहिए। भगवान ने कहा, तथास्तु। कुछ समय के पश्चात रानी और राजा के घर में एक पुत्र का जन्म होता है। वो बहुत ही प्रतापवान, तेजवान और कांतिमय देह वाला था, इसीलिए उसका नाम कीर्तिवीर रखा गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस पुरुषोत्तम मास के महीने में जो भी दंपत्ति, जो भी नर नारी पद्मिनी एकादशी का व्रत करते हैं, यदि वह निसंतान है तो विष्णु भगवान की कृपा से, विष्णु भगवान की आकांक्षा से उनके यहाँ एक बालक का जन्म अवश्य होगा। इसीलिए मेरी आप सभी से अनुग्रह है, आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप सभी अधिक मास में आने वाली दोनों एकादशियों का व्रत संपूर्ण निष्ठा और भाव के साथ अवश्य करें, क्योंकि अधिक मास भगवान को सर्वाधिक प्रिय है।
क्योंकि संतों का मानना है कि ब्रज में आकर के इस विश्व के समस्त तीर्थ निवास करते हैं, जिसके कारण ब्रज की महिमा और बढ़ जाती है। इसीलिए आप पद्मिनी एकादशी का व्रत अवश्य धारण करें। सभी दर्शकों को मेरी ओर से एक बार पुनः पद्मिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एकादशी महारानी आप सभी के ऊपर कृपा करें, ऐसी मेरी मंगल कामना है।